हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 हिंदी डब फिल्मों के बारे में। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों को लिया है। ये सभी फिल्में आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे हिंदी में डब, और इन सभी फिल्मों के यूट्यूब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है डॉक्टर स्ट्रेंज। दोस्तों, ये मूवी 2016 में आई थी, एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 55 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी, और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस फिल्म में आपको स्टीफन स्ट्रेंज की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिनको हम डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से जानते हैं। सो अगर आपको मार्वल की सुपर हीरो मूवी देखनी है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है पैरासाइट। दोस्तों, ये मूवी 2019 में आई थी, एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर 12 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 8.6 की रेटिंग मिली हुई है। गाइज, इस फिल्म की मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा, बस इतना ही कहूंगा, अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस फिल्म में लालच और घमंड को दिखाया है, और इस फिल्म ने काफ़ी सारे अवार्ड भी जीते हैं। मूवी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी, और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है हॉस्टल पार्ट 2। दोस्तों, मूवी 2007 में आई थी, हॉरर स्लैशर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 34 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको 3 कॉलेजियंस की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो एक हॉस्टल ट्रेवल ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, और वो उस हॉस्टल में जाने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अब कौन सी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सो अगर आपको स्लैशर मूवी देखनी है तो आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखना। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है स्काई हाई। दोस्तों, मूवी 2005 में आई थी, एक कॉमेडी फैमिली मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 40 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको हाई स्कूल के कुछ बच्चों की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिनके पास सुपर पावर्स रहती हैं। तो अगर आपको एक कॉमेडी या फिर टीनेज मूवी देखनी है, और वो भी सुपर हीरो के साथ, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है लूसी। दोस्तों, मूवी 2014 में आई थी, एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 29 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको लूसी की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो अपना 100% दिमाग को यूज़ कर लेती है। तो अगर आपको जानना है कि 100% दिमाग यूज़ करने के बाद क्या होता है, तो उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है सॉन ऑफ द डेड। दोस्तों, मूवी 2004 में आई थी, एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 39 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.9 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको सॉन की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो एक सेल्समैन रहता है, लेकिन जिस शहर में वो रहता है उस शहर में जोम्बी वायरस आउटब्रेक हो जाता है। तो अगर आपको कॉमेडी के साथ एक जोम्बी मूवी देखनी है, तो आप इस मूवी को देख सकते हो, फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है सी इज द मैन। दोस्तों, ये मूवी 2006 में आई थी, एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 45 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको वायोला नाम की एक लड़की की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो फुटबॉल टीम में जाना चाहती थी, लेकिन वो लड़की थी इसलिए जा नहीं पाती, तो वो अपने हाई स्कूल में लड़का बनकर रहती है। अब इस फिल्म में आगे क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सो अगर आपको कमिंग ऑफ एज मूवी देखनी है, तो आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखना। लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है दी लास्ट 10। दोस्तों, ये मूवी 2013 में आई थी, एक एक्शन वेस्टर्न मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको ओवेन की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो LAPD में एक फॉर्मर ऑफिसर रहता है, तो वो इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। अब रोक पाता है नहीं, ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है 332 यूमा। दोस्तों, ये मूवी 2007 में आई थी, एक वेस्टर्न ड्रामा मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर 2 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, एक वेस्टर्न मूवी है, और इस फिल्म के बारे में आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आपको एक वेस्टर्न मूवी देखनी है तो आप इस फिल्म को देख सकते हो, फिल्म का यूट्यूब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
लिस्ट में पहले नंबर पर आती है थी केव दोस्त। ये मूवी 2005 में आई थी, एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 37 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस इस फिल्म में आपको कुछ केव डाइवर्स की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो रोमानियन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक केव के अंदर जाते हैं, लेकिन बाद में वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। सो अगर आपको एक मॉन्स्टर मूवी देखनी है तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। फिल्म का यूट्यूब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मूवी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। सो आज की इस वीडियो में इतने ही। सीरीज़ के और भी पार्ट्स आएंगे, वो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।